हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, आज की ये वीडियो माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल से पूछे गए सवाल से रिलेटेड है। अब देखिए, यहाँ पर एक क्वेश्चन दिया गया है, एड्रेस ऑफ 20th कॉलम एंड 38th रो। तो अगर आपको एबीसीडी आती है तो ये काम बड़ा आसान है। कैसे आसान है मैं आपको दिखाता हूँ। एड्रेस ऑफ 20th कॉलम, 20th कॉलम कौन सा आएगा? देखिए मैं आपको एक्सेल ओपन करके दिखाता हूँ। हालांकि जहां आपको क्वेश्चन ये पूछे जाएंगे वहां आपको कोई सिस्टम नहीं मिलेगा, आपको सिर्फ दिमाग में ये बातें रखनी होगी, ठीक है ना। देखिए यहां से ओपन कर लेता हूँ एक्सेल या कोई भी एक स्प्रेडशीट सॉफ्टवेयर हम ओपन करेंगे जहां पर कि हम इसको दिखा सकें। तो यहां पर एक्सेल को ही ओपन कर लेता हूँ, तो ये एक्सेल ओपन हो जाएगा। और जैसे ही ओपन होगा तो ये देखिए, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, पांचवा, छठवा, सातवा, आठवा, नौवा, दसवा, 11, 12, 13, 14, 15, 18, ये हो गया 19 और ये हो गया 20, यानी टी कॉलम होगा। ये तो तय हो गया, टी कॉलम होगा। अब रो कौन सा पूछा गया वो देखना पड़ेगा। तो इसमें पूछा गया 30th रो, तो मैंने तीसवा रो चाहिए। तो तीसवा रो कौन सा होगा भैया, तीसवे रो पे चलते हैं, यहाँ रो नंबर लिखा हुआ है। ये देखिए, ये तीसवा रो है, ये तीसवा रो है, देख लीजिए, ये 30 रो है, 30 रो, ठीक है। तो एक तो ये क्लियर हो गया, दूसरा क्या हो गया, टी थर्टी होगा हमारा आंसर। क्या होगा, T30। तो यहाँ पे आंसर में आपको क्या बताना है, जो भी आपसे पूछे उसको क्या बताना है, T30। क्या बताएंगे, T30, ठीक है। T30 जैसे ही बताएंगे आपका आंसर सही हो जाएगा। तो यही इसी तरीके से आपको बताना है। आप देखिए ना, यहाँ पे दूसरा एक क्वेश्चन है, आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि इसका आंसर क्या आएगा। एड्रेस ऑफ 12th कॉलम एंड 15th रो, तो यहाँ पर इसका आंसर क्या आएगा आप मुझे कमेंट करके जरूर।